ऐसा लगता है लगे, यही हमारे राष्ट्र के हित में। क्या भारत सरकार कर रही है, क्या चीनू हेलीकॉप्टर का कोई विकल्प हमारे पास उपलब्ध? एफओ से पूछा गया क्या सारे चीनू पर एक से समय ग्रहण करना पड़े। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज आशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। हाल ही में अमेरिका ने अपने लगभग 400 चिनूक हेलीकॉप्टर को डाउन करने का फैसला किया है, उसकी उड़ानें रद्द कर दी हैं, उसको डाउन कर दिया गया है। और ये फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि चिनूक हेलीकॉप्टर दुनिया में सबसे तेज उड़ने वाला हैवी वेट हेलीकॉप्टर माना जाता है। और भारत के लिए चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि भारत ने भी हाल ही में कुछ ही वर्षों पहले अमेरिका से 15 चिनूक हेलीकॉप्टर मंगवाए हैं, उसके एयरफोर्स में है। अच्छी बात यह है, जो विशेषज्ञ बताते हैं कि जो उसकी सीरीज है वो डिफरेंट है क्योंकि अलग अलग तरह के चिनूक हेलीकॉप्टर है, उसमें एक तरह का हेलीकॉप्टर भारत की एयरफोर्स में शामिल है, 15 हेलीकॉप्टर ऐसे हैं। लेकिन उसके बावजूद एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चिंता का विषय है क्योंकि जब चिनूक की जो एक क्वालिटी है उसमें आग लगी है, चाहे वो सीरीज हो, अलग अलग तरह की सीरीज हो, तो खतरा तो रहता ही है। हो सकता है कि आने वाले समय में जो चिनूक हेलीकॉप्टर भारत के पास है उसमें इस तरह की कॉम्प्लिकेशन आए। तो किस तरह से सावधानी हमें बरतनी चाहिए, क्या भारत सरकार कर रही है, क्या चिनूक हेलीकॉप्टर का कोई विकल्प हमारे पास उपलब्ध है, अगर आने वाले समय में कोई समस्या आती है यहां पर तो किस तरह से उसका हल सरकार ढूंढेगी, किस तरह से एयरफोर्स अपनी तैयारी कर रही है, तमाम बातों की हमने चर्चा की है। और हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर हैं, हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल एसपी सिन्हा हैं। सबसे पहले पीके सहगल सर आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह की घटना सामने आई है चिंता का विषय लगती है क्योंकि भारत की जो एयरफोर्स है इस पर डिपेंडेंट है और जो ये डील है हाल ही में के वर्षों में हुई और चिनूक को कहा जाता है कि बहुत बड़ा हैवी वेट हेलीकॉप्टर और जो एक्सपर्ट्स बताया है, एक्सपर्ट्स ने बता चुके हैं कि जो स्पीड है 315 किलोमीटर पर आर है, पर आर के हिसाब से उड़ता है, 45 सैनिकों को, हथियारबंद सैनिकों को उड़ाने की क्षमता रखता है अपने साथ और इसका इस्तेमाल ज्यादातर ऊंचे एरियाज में जो टैंक हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं उसको ले जाने के लिए किया जाता है, कैरी करने के लिए। और साथ में कहा जाता है कि इमरजेंसी के समय, कैजुअल्टी को इवैक्यूएशन के समय, इवैक्यूएशन में भी इसकी मदद ली जाती है क्योंकि ये हैवी वेट तेज उड़ने वाला हेलीकॉप्टर है, इसकी क्षमता बहुत ज्यादा है। तो सहगल सर, जो घटना सामने आई है, हमको किस तरह से सावधान रहने की जरूरत है और क्या हम सावधान हैं? अमेरिका में कुछ चिनूक हेलीकॉप्टर की सीरीज में इंजन में बार बार आग लगी की घटना सामने आई है, उसको निगाह में रखते हुए पूरी फ्लीट को गर्म कर दिया गया है और चेकिंग के बाद में उसको क्लियर किया जाएगा। हिंदुस्तान के पास 15 चिनूक हेलीकॉप्टर हैं जो उस सीरीज के नहीं, दूसरी सीरीज के हैं। जब अमेरिका ने उनको ग्राउंड किया, हिंदुस्तान ने भी उनको चेक किया और हमारे जो हेलीकॉप्टर में उसमें किसी भी इस्माफी की कोई शिकायत नहीं आई, और अगर शिकायत आती है तो हिंदुस्तान भी इस्माफी की कार्रवाई कर सकता है। एफओ से पूछा गया क्या सारे चिनूक को एक साइड समय ग्राउंड करना पड़े तो उसकी ऑपरेशनल इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, तो उन्होंने कहा हमारे पास बहुत बड़ी फ्लीट है MI-17 की, विच इज लार्ज इनफ टू टेक केयर ऑफ ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लॉजिस्टिक सपोर्ट एंड अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द आर्मी इन लद्दाख और एल्सवेयर, इसलिए किसी प्रकार की घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसा कि सर ने बताया कि अपनी तरफ से भी भारत ने पूरी तरह से जांच की है, जांच कर ली है और बाकायदा अमेरिका से भी इसका जवाब मांगा गया है कि जो चीनूक में किस तरह की प्रॉब्लम आई है और जो चीनूक भारत के पास है उसके बारे में भी जवाब मांगा गया। और उनका कहना यह भी है कि पूरी फ्लीट एयरफोर्स के पास है, अगर आने वाले समय में कोई भी समस्या आती है तो घबराने की जरूरत नहीं क्योंकि एक सब्स्टिट्यूट जो फ्लीट है वो और हेलीकॉप्टर्स हैं जो एयरफोर्स के पास है। एसपी सिन्हा सर, आपसे जानना चाहेंगे, जब आर्मी की बात आती है, एयरफोर्स की बात आती है, तो क्या हम इस तरह के जो हेलीकॉप्टर है चाहे उसकी सीरीज अलग है इस पर विश्वास किया जा सकता है या एयरफोर्स को अपनी तरफ से तैयारी करनी चाहिए, विकल्प ढूंढना चाहिए, चिनूक का विकल्प क्या हमें ढूंढना चाहिए क्योंकि जैसा कि कहा जा रहा है कि बहुत ही हाई क्वालिटी, उत्तम क्वालिटी का हेलीकॉप्टर है ये, तो विकल्प क्या हमारे पास है और क्या हमारा जो हमारा डिफेंस सिस्टम है वो इसके विकल्प के बारे में सोच सकता है आने वाले समय में? ये हमको अब चिंतन करने की जरूरत है, मंथन करने की जरूरत है कि हमारे पास क्या क्या विकल्प है। विकल्प ये कि हम वेट करें। मैं इस संदर्भ में एक और बात कहना चाहता हूँ, इंडियन एयरफोर्स ने
अमेरिका को बोला है कि आप हमको पूरा डिटेल बताइए कि कैसे क्या हुआ और क्या स्थिति है, टेक्निकल डिटेल्स हादसा का। लेकिन जो मुझे लगता है कि हमारे पास आज की तारीख में ऑप्शंस क्या क्या है। पहला ऑप्शन कि हम टेक्निकल इंक्वायरी के लिए इनका इंतज़ार करें, क्या रिपोर्ट आता है उसके लिए वेट करें, लेकिन मेरा ख्याल है ये सही नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन कि हम अल्टरनेट हेलीकॉप्टर, हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर को सर्च करें और सप्लाई ऑर्डर दें, उसको खरीदें, मेरा ख्याल है। या तीसरा कि जब रिपोर्ट आता है तो जो हमारा मौजूदा हेलीकॉप्टर है उसमें जो इंजन फ्यूल लीक की बात हो रही है उसको पूरी तरह से ठीक किया जाए। लेकिन देखिए, मेरी अपनी सोच है कि हमको बेस्ट ऑप्शन के लिए जाने की ज़रूरत है। बेस्ट ऑप्शन है कि विश्व में चिनूक हेलीकॉप्टर के अलावे 7 और हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स हैं जो बहुत ही पावरफुल और बहुत अच्छे हैं। Mi-26 जिसको हेलो कहा जाता है, सिकोरस्की जिसको किंग स्टैलियन कहा जाता है, सिकोरस्की दूसरा वर्जन जिसको सुपर स्टैलियन कहा जाता है, Mi-10 जिसको हरके कहा जाता है, बेल बोइंग V-22 जिसको ऑस्प्रे कहा जाता है, Mi-38 और यूरोकॉप्टर EC-725। ये 7 हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर हैं जो अव्वल दर्जे के हेलीकॉप्टर माने जाते हैं। तो मेरा ख्याल है एयरफोर्स को अपनी एक टीम बना के इसको शॉर्टलिस्ट करे कि इसमें से बेस्ट कौन हेलीकॉप्टर हमारे, देखिए हमारे टेरेन को ध्यान में रखते हुए, हमारे स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए, ऑपरेशनल नीड को ध्यान में रखते हुए, ये सब चीज़ को तवज्जो देते हुए हमको बेस्ट हेलीकॉप्टर लेने की ज़रूरत है। आर्म फोर्सेज में हम सेकेंड बेस्ट नहीं ले सकते, हमको कीमत ज़्यादा लगती है तो लगे, यहाँ देश की सुरक्षा का बात, यहाँ जो हमारे पायलट्स और जो जवान उसमें जाते हैं उनकी सुरक्षा, उनकी जान सलामती की बात है, हमको लड़ाई जीतने की का हमारा ध्येय है, उसमें सेकंड बेस्ट नहीं होता है, बेस्ट होता है, सुपर बेस्ट, नथिंग लेस देन सुपर बेस्ट। पैसा लगता है तो लगे, यही हमारे राष्ट्र के हित में है। जहाँ तक मिलिट्री इक्विपमेंट का सवाल है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमको हमेशा बेस्ट वेपनरी अपने सेना को देना चाहिए ताकि उनका मोराल ऊपर रहे, उनका विश्वास मिलिट्री इक्विपमेंट में रहे कि बेस्ट इक्विपमेंट के साथ लड़ रहे हैं और दुश्मन को दांत खट्टे करने में और हराने में वो पूरी तरह से सफल रहे। बहुत ही सीधे शब्दों में कहा गया है यही कि जब देश की सुरक्षा की बात होती है, हमारे पायलट की सुरक्षा की बात होती है, सैनिकों की सुरक्षा की बात ही होती है, तो सेकंड बेस्ट का ऑप्शन आता ही नहीं है। हमको बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट जो सबसे नंबर वन है उस पर ही हमको निर्भर रहना है। और कई कई तरह के ऑप्शन दिए हैं सर ने यहाँ पे, और उनका बेस्ट ऑप्शन ये है कि हमको बेस्ट विकल्प तराशना चाहिए। 7 और तरह के हेलीकॉप्टर सर ने गिनवाए हैं यहाँ पे कि अगर कोई समस्या चिनूक में आती है या लगता है एयरफोर्स को, तो हमको बेस्ट क्वालिटी पर बिलीव करना चाहिए। कीमत की बात यहां नहीं आती है क्योंकि यहां पे देश की सुरक्षा का सवाल है। पीके सहगल सर आपसे जानना चाहेंगे, अमेरिका में जिस तरह से 400 हेलीकॉप्टर की उड़ान एकदम से रद्द कर दी गई क्योंकि इंजन में आग लगी, लेकिन हमारे देश में भी हम देखते हैं कि कई बार घटनाएं होती हैं, जो हेलीकॉप्टर्स हमारे पास हैं एयरफोर्स के पास उसमें भी इंजन में आग लगती है, तो क्या हमारा देश इस तरह के एहतियात बरतता है जब ऐसी घटनाएं हमारे देश में होती हैं, और या हमें अमेरिका से सीखने की जरूरत है? हिंदुस्तान में कई प्रकार के हेलीकॉप्टर्स हैं जो लगभग 50 से 60 साल पुराने हैं। ये आर्मी में चीता चेतक हैं, एयरफोर्स में चीता चेतक हैं, और चेतक जो है वो नेवी में भी हैं, क्योंकि ये 50 से 60 साल पुराने हैं। 494 नीड रिप्लेसमेंट, एक गरीब देश जो है इनको एक समय रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन हिंदुस्तान में भी जब कोई एयरफ्रेम में या एरो इंजन में किसी प्रकार की शिकायत आए, जो काफ़ी हेलीकॉप्टर में हो, तो सारी की सारी फ्लीट को ग्राउंड कर दिया जाता है। मैं खुद 10 साल हेलीकॉप्टर चलाए उड़ाए एयरफोर्स में और आर्मी में, इस माफिक की कार्रवाई अक्सर की जाती है, और फिर स्पेशल टीम्स हैं हर हेलीकॉप्टर को चेक करके उसको क्लियर करते हैं। हमको किसी दूसरे देश से सीख की आवश्यकता नहीं है, हमारी एयरफोर्स और हमारी आर्मी और हमारी नेवी खुद काफ़ी से ज़्यादा एक्सपीरियंस है और काबिल हैं टू टेक डिसीजंस देमसेल्स। हमारे यहाँ जो क्रैशेज हुए प्राइमरली वो होते हैं बिकॉज ऑफ विंटेज। आपने देखा होगा Mi-21 को तकरीबन 60 साल के बाद में अभी उनको रिप्लेस किया जा रहा है आहिस्ते, बिकॉज अ पुअर नेशन जो है अफोर्ड नहीं कर सकता। इस समय तकरीबन एयरफोर्स में 10 से 11 स्क्वाड्रन है हवाई जहाज़ों के, जिनको रिप्लेस करने की आवश्यकता है। और जैसे कि मैंने कहा, आर्मी नेवी और एयरफोर्स में 494 हेलीकॉप्टर्स हैं जिनको रिप्लेस करने की आवश्यकता है।
दे कांट बी रिप्लेस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। जैसा कि सर ने बताया कि 50-60 साल पुराने हमारे पास हेलीकॉप्टर्स है और उनको एकदम से रिप्लेस नहीं किया जाता, लेकिन हाँ एयरफोर्स इस बात का पूरा ध्यान रखती है। सर ने खुद अपना एक्सपीरियंस बताया और कहा है कि हमें किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही ध्यान रखते हैं। इस तरह की अब घटनाएं घटती हैं तो अपने आप एयरफोर्स इस बात का ध्यान रखती है और उसको धीरे धीरे डाउन किया जाता है जिसमें खराबी आती है, जिसमें प्रॉब्लम आती है। लेकिन हाँ एकदम से आप रिप्लेस नहीं कर सकते, धीरे धीरे प्रिकॉशन बढ़ती जाती है। तो दोस्तों ये मुद्दा हमने इसलिए उठाया चिनूक हेलीकॉप्टर का क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है और हाल ही में भारत ने 15 हेलीकॉप्टर जो है यूएस से खरीदे थे, 2019 में शायद ये डील हुई है और जिनकी कीमत है जो एक्सपर्ट्स ने बताया 3.5 करोड़ यूएस डॉलर है। तो बहुत ज्यादा कीमती हेलीकॉप्टर है, इसलिए एक सावधानी और एक चिंता भी होती है कि इतनी महंगे हेलीकॉप्टर की फ्लीट हमारे एयरफोर्स में है, अगर उसकी एक सीरीज में प्रॉब्लम आई है तो आने वाले समय में हो सकता है जो सीरीज हमारे देश में हो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमारे लेकिन जैसा कि एक्सपर्ट ने बताया हमारा देश पूरी तरह से तैयार है, हमारी एयरफोर्स हमारी आर्मी पूरी तरह से तैयार है किसी भी अगर तरह की परेशानी आने वाले समय में आती है। दोस्तों आप बने रहिए न्यूज नशा के साथ हमेशा ही क्योंकि न्यूज नशा की कोशिश रहती है आपको अपडेट जानकारी देने की एक्सपर्ट के माध्यम से, इसलिए देखते रहिए बने रहिए न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर, और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।